इज्जतनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पायलट और सहायक लोको पायलट का स्वागत करता है। आज हम जानेंगे ICF कोच में ब्रेक बाइंडिंग से बचाव एवं ब्रेक बाइंडिंग हो जाने पर की जाने वाली कार्यवाही। लोको पायलट विशेष ध्यान दें कि ब्रेकिंग करने के पश्चात जब भी पुनः नॉच प्रोग्रेस करें तो एयर फ्लो इंडिकेटर के नॉर्मल होने के पश्चात ही नॉच को बढ़ाएं एवं ओरिजिनेटिंग स्टेशन अथवा इनरूट पावर रिवर्स होने, लोको चेंज होने अथवा ट्रैक्शन बदलने पर पूरी गाड़ी का मैनुअल रिलीज कराना या करना सुनिश्चित करें। व साथ ही साथ लोको का चार्ज लेते समय एवं गाड़ी संचालन के दौरान जब भी समय मिले मॉइस्चर अवश्य ड्रेन करें। मॉइस्चर ड्रेन करने संबंधी वीडियो भी पूर्व में विद्युत ऑपरेशन विभाग द्वारा अपलोड किया गया है, आप वहां से भी मॉइस्चर ड्रेन करने से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं ब्रेक बाइंडिंग को सही कैसे करेंगे। ये ब्रेक ब्लॉक और ये व्हील सेट का साथ में चिपका हुआ रहता है, मतलब इनके पिस्टन ऊपर से काम करके ये डायरेक्टली इसका ऊपर में माउंट रहता है, उसी को ब्रेक बाइंडिंग बोला जाता है। क्योंकि उस टाइम जो सोर्स है वो रिलीजिंग कंडीशन में उनके रहता है, मतलब उस टाइम ब्रेक नहीं होने का है, और उसी टाइम अगर रिलीजिंग टाइम में गाड़ी रिलीज नहीं होता है, ये डायरेक्टली इसका साथ में टच होकर रहता है और एक्टिव रहता है, इसी को ब्रेक बाइंडिंग बोला जाता है। पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि ब्रेक बाइंडिंग वो ट्रॉली हुआ या आपके सिंगल ट्रॉली हुआ। अगर वो ट्रॉली होता है तो आप क्या करेंगे, आपको जरूर कहीं से आपके प्रेशर रिड्यूस हो रहा तो आपको पहला आके ये डीवी का फंक्शन को देखना है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है और इसका फंक्शन देखना है। इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटर के हैंडल है और ये रिलीजिंग ये है वाल्व है, मैनुअल रिलीजिंग वाल्व है, और आपको डीवी में आना पड़ेगा डबल में। इसमें आपको एप्लीकेशन करने के बाद में आपको देखना पड़ेगा कि वो साइड इधर हिसिंग साउंड हो रहा, रिलीजिंग साउंड हो रहा या नहीं हो रहा, और पहला आके आप इसको खींचेंगे अगर रिलीज होता तो जाके आप बोथ ट्रॉली देखिए आपका रिलीज हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता तो आप गाड़ी के अंदर में जाइए, जाके देखिए बोथ ट्रॉली में आपका पाइप कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। अगर बोथ ट्रॉली आपके ब्रेक बाइंडिंग होता है तो मैक्सिमम टाइम ये डीवी का फॉल्ट में ही होता है, तो उस टाइम आपको काम करना है ये डीवी का हैंडल जो है ये सीधा इस तरफ ऊपर हॉरिजॉन्टल करना है और इसको इधर से रिलीज कर देना है और जाके उधर से आपको ब्रेक जरूर रिलीज हो जाएगा। देखिए सिंगल ट्रॉली ब्रेक बाइंडिंग हुआ या डबल ट्रॉली हुआ, तो सिंगल ट्रॉली हुआ आगे आप जाके वो ट्रॉली को चेक करिए, आप ब्रेक ब्लॉक को जाके हाथ से हिलाइए, व्हील में आपको कोई हीट है कि नहीं देखिए, आपको ब्रेक ब्लॉक सब ठीक है कि नहीं देखिए, और व्हील टेट का साथ में ब्रेक ब्लॉक चपका है कि नहीं देखिए। उस टाइम में उसके बाद में आप आइए, ये जो है आपका रिलीजिंग चेन है इसको आप खींचिए, ये इधर से मैनुअल रिलीज होगा, ये मैनुअल रिलीज का हिसिंग साउंड हो रहा कि नहीं देखिए, हिसिंग साउंड हुआ तो रिलीजिंग सिस्टम शुरू हुआ। इसके बाद में आप जाइए जाके उधर देखिए ब्रेक ब्लॉक छूटा कि नहीं, ये ब्रेक ब्लॉक जो है आप इसको हाथ से इसको हिला के देखिए ये ब्रेक ब्लॉक इसके साथ में कांटेक्ट में है या छूट गया। अगर इसमें आपका ब्रेक ब्लॉक नहीं छूटा तो आप इधर आइए देखिए, एक कट ऑफ कॉक है, ये आइसोलेटिंग कॉक है, इसके इधर एक भेंट रहता है, तो आप क्या करेंगे इसको जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकली इस तरीका से मोड़ दीजिए। तो मोड़ने से क्या होगा, आपका इस तरफ से सिलेंडर का हवा रहेगा तो इधर से आपको ये हवा ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ एक बल्ब है इसके एक छेदा है, इसे आपको रिलीज हो जाएगा। पकड़ लीजिए उसमें भी कुछ नहीं हुआ आपका, ये देखिए ब्रेक बीम है, इसमें शू लगा है, हैंगर है, ये देखिए इसमें देखिए ये सेंटर पिन है, ये ब्रेक बीम का पिन है, तो
और एक इसका पिन आपको देखिए, ये सामने देखिए, ये सिलेंडर का साथ में, ये इसका साथ में कंटेक्ट है। तो पिस्टन वर्किंग तभी उधर पिस्टन जो है वो वर्किंग में रहेगा, पिस्टन अंदर नहीं जाएगा, मतलब ब्रेक बेंडिंग होके है, छूटा नहीं है। तो आप कट ऑफ कॉक को बंद करने के बाद में अगर आपका ब्रेक ब्लॉक नहीं छूटा तो आपको या तो ए पिन खोलना है, नहीं तो ए पिन खोलना है, नहीं तो आपको ये पिन कोई भी एक पिन को खोलना है। नहीं तो आप अगर इधर से ब्रेक ब्लॉक खोल सकता है तो ब्रेक ब्लॉक को खोल के फेंक ना सके तभी सकेंगे नहीं, क्योंकि ये चपका हुआ रहेगा। इसीलिए बेटर होगा उस टाइम में एक कोई पिन को आपको खोल देना है। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो सका नहीं है आप, तो वो जो सिलेंडर दिखता है उसका बैक साइड में जाइए, उधर एक भेंट स्क्रू मिलेगा, हाँ उनको आप आस्ते आस्ते साइड से होकर खोलिए, और वो अगर हवा रहेगा तो बहुत जोर बुलेट का शरीक छिटकेगा, इसीलिए आप साइड से लेकर खोलिएगा और बहुत सावधानी से खोलिएगा। इस तरीका आप अगर मेंटेन करता है तो जरूर आपका ब्रेक बैंडिंग छूटेगा। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपको गाड़ी छोड़ना है तो क्या करेंगे, तो आप फिर से डीबी का सामने में आइए। आपको अगर डाउट है तो ये जो डीबी हैंडल है, ये हैंडल को सिंगल साइड होने से आप इसको इस पोजीशन में रखेंगे, अगर डबल साइड होगा तो आप इस हैंडल को हॉरिजॉन्टली ऊपर उठा के तार से बांध देंगे, क्योंकि दूसरा कोई देखेगा तो पता चलेगा कि ये इसमें कोई वर्क किया है और आइसोलेट किया हुआ है, इसमें ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होगा। किन सिंगल ट्रॉली होने से आप इसको ऑन में रखिएगा, क्योंकि दूसरा ट्रॉली जो है वो काम करने का लायक होना चाहिए। जो आपका कॉक है, एक कॉक को आप इस तरह में ऐसी करके मोड़ दीजिए, और ये इस पोर्शन में रहेगा, देखिए इस पोर्शन में, ये अभी ऑफ पोजिशन है और इधर से कोई हवा इसमें नहीं आएगा, ये ट्रॉली आपका आइसोलेट हो गया। इसको जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगा इसको खोलना नहीं है।